हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टेक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी की एग्जाम तैयारी बहुत ही चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये पूरे 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर से बनाया गया है। सो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो उसे कैसे करते हैं और कैसे अच्छे से अच्छा नंबर लाते हैं एग्ज़ाम में। सो क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट, प्रोसेस, नेचर एंड सिग्निफिकेशन इन ब्रीफली। प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा, प्रक्रिया व प्रकृति तथा महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको मैनेजमेंट के बारे में समझानी है, मैनेजमेंट के इसकी अवधारणा, प्रक्रिया और प्रकृति के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसका महत्व क्या होता है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट, पर्यावरण विशेषण की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण विशेषण क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है आपको, इसकी परिभाषा देनी है। एक राइटर के अनुसार लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको। उद्देश्यों में आप अच्छे से हेडिंग लिख दीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिस्क्राइब इन ब्रीफली द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की परंपरागत तकनीकों को संक्षेप में बताइए। नियंत्रण के बताना, नियंत्रण कैसे करते हैं, किसी भी कंपनी को नियंत्रण किस प्रकार की जाती है, एक मैनेजर कैसे नियंत्रण करता है कंपनी को, ये भी आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर है, डिफाइंड प्लानिंग डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस मैनेजमेंट, नियोजन को परिभाषित कीजिए, इसका महत्व, प्रकृति व उद्देश्यों को वर्णन करना है आपको। इसको भी बतानी है कि नियोजन किस प्रकार किया जाता है, एक कंपनी जब स्टार्ट की जाती है उसके नियोजन किस प्रकार की जाती है, उसकी क्या प्लानिंग होती है, उसके क्या कंसेप्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, आपको उसमें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है आपको पूरे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिस्क्राइब स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, व्यूहरचना का अर्थ बताइए, व्यूहरचना के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कदम बताने हैं आपको। व्यूहरचना क्या होता है, इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि व्यूहरचना को किस प्रकार एक्सप्लेन करनी है, वो भी आपको अच्छे से बताना है कि उसकी एक कंपनी के प्रबंधक की क्या स्ट्रेटजी होती है, उसको किस प्रकार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कंपनी को, इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज मीन बाय मोटिवेशन, डिस्कस इट्स डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा के विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, एक प्रबंधन किस प्रकार अपने वर्कर्स को अभिप्रेरणा मोटिवेट करता है कि कोई कैसे कंपनी को इंक्रीज की जाए, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करनी है कि पार्ट टाइम और ओवर टाइम जॉब्स किस प्रकार की जाए ताकि वो कंपनी को अच्छे से ग्रो करा सकें। क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल, डिस्क्राइब द वेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो नेतृत्व शैली से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के नेतृत्व शैली को वर्णन कीजिए। तो आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि नेतृत्व शैली क्या होती है, इसको अच्छे से इसके प्रकार को वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर एट है, डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण की क्रियाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ये संप्रेषण क्या होता है और इसकी क्रियाओं का अच्छे से वर्णन करना है, मतलब कि महत्व, विशेषता, उद्देश्य, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। इसमें अच्छे से हेडिंग लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। और हाँ, लास्ट में कंक्लूजन लिखना नहीं भूलिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं लॉन्ग में तो उसमें आप कंक्लूजन ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि अच्छे से अच्छा नंबर मिले आप लोग को। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या प्रीवियस ईयर पेपर के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमसे ज्वाइन होकर किसी भी पीडीएफ आपको किसी भी क्वेश्चन का चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से आप क्या समझते हैं, लाइन एंड स्टाफ की प्रस्तुति कीजिए। तो संगठन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि संगठन क्या होता है, कि किस प्रकार एक कंपनी के संगठन को कैसे स्थापित की जाती है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करनी है। कि लाइन एंड स्टाफ क्या होती है, स्टाफ को कैसे नियुक्त की जाती है, उसको भी बतानी है कि एक स्टाफ की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये भी क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर टेन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की परंपरागत
तकनीकों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नियंत्रण कैसे की जाती है, किसी कंपनी के नियंत्रण किस प्रकार की जाती है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि कंपनी का नियंत्रण किस प्रकार की जाती है। तो हम इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए इन सारे क्वेश्चन के। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से, और पूरे कवर करिए, पूरे टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। एनी प्रॉब्लम आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, एनी डाउट। सो आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।